मैंने 75 बार ब्लड डोनेट कर रखा है, मेरे शरीर दान कर रखे, मेरी आँख दान कर रखी। मम्मी की प्रेरणा से मैं भी 8 बार रक्तदान कर चुकी हूँ। मैं जैसे 18 साल का हुआ तो 18 साल का होते ही हमने जो है ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिया। हमने रक्तदान से आगे बढ़ के जो है शरीर दान देने की परंपरा भी हमारे परिवार के अंदर चल रही है। तीन जो है शरीर हम डोनेट कर चुके हैं पीजीआई रोहतक के। साथियों, मैं हरियाणा के रोहतक में हूँ और बहुत ही रोचक फैमिली से मिला हूँ। आपने कई सारे परिवारों का नाम सुना जो बहुत दानदाता होते हैं, खुल के खर्च करने वाले लोग होते हैं, दूसरों को मदद करने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये गोदारा परिवार है और ये लोग रक्तदान के मामले में इन्होंने रिकॉर्ड कायम कर रखा है। पूरा का पूरा परिवार जो है रक्तदान करता है ताकि किसी और की जान बचा सके। माता जी 67 साल के हैं, 75 बार रक्तदान कर चुकी हैं। अजय भाई साहब जो हैं वो 35 बार कर चुके हैं, अब वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको किडनी की दिक्कत हुई है। मैम जो है वो भी 8 बार कर चुकी हैं। और सिर्फ रक्तदान ही नहीं, आपके परिवार के 3 लोग जो हैं वो अपनी बॉडी को दान कर चुके हैं रोहतक पीजीआई में। और माँ जी ने खुद अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, फादर ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ये है इनका, क्योंकि इनको लगता है कि जीते जी तो हमने रक्तदान किया ही, अगर हमारे ना रहने के बाद भी उनके सही कोई हिस्सा किसी काम आए तो उनके लिए उससे बेहतर क्या होगा। तो ये आँख का भी बता दो, आँख भी दे रखे हैं, पूरा शरीर में आया तो आँख ना जो भी हो सकता है वो सब कुछ दान किया है ताकि इनके द्वारा किसी के भला हो सके, किसी की जान बच सके। मेरा नाम है मुन्नी गोदारा, सुभाष नगर रोहतक। एज है मेरी 67। अब ये 1982 के बाद भी मैंने देना शुरू कराया था। जैसे 1982 के बाद हमारे कोई घर में फैमिली में डिलीवरी होनी थी हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ हॉस्पिटल में उनके बच्चा हो गया। होने के बाद में मरीज़ तो बेड पर सो जाता है, मरीज़ के साथ को अटेंडेंट होता है, वो नीचे सोता था हॉस्पिटल मेडिकल, वहाँ हम नीचे सोई हुई थी। मेरे पीछे ही लेबर रूम था, एक लेबर रूम में औरत के तकलीफ़ हो रही थी, काफ़ी चिल्ला रही थी कि उसके बच्चा बीच में तकलीफ़ हो गई थी। तो फिर डॉक्टरों का इसको ब्लड की ज़रूरत है। जैसे वो डॉक्टर ने आके बाहर, उसका हस्बैंड और सास थी, वो दोनों, उनको कहा भी खून ले आओ, 2 बोतल की ज़रूरत है। उसका हस्बैंड उसको उस बात सुनते ही वो भाग्या बाहर, आया नहीं। बूढ़ी औरत थी, वो 60 साल से ऊपर ही होगी। अब वो बेचारी क्या करे, वो डॉक्टर बोले हम क्या करें, चलो कम से कम 1 बोतल तो खून होना चाहिए, एक हम करेंगे देखेंगे। तो औरत ले रही, इसको कौन दे, रात का टाइम है, 12-1 का टाइम था। हम इसलिए नहीं सोए कि बच्चों को उस टाइम में बिल्ली बाली का ध्यान रखना पड़ता कि भाई बिल्ली उठा कर नहीं ले जाए नीचे, ऐसी होती ना खून। तो मैं जागते, मैंने क्या बात हुई ऐसे ऐसे। फिर बेटा मैंने तो कुछ नहीं सोचा, अच्छा या माड़ा कुछ नहीं सोचा, मैं उठ के मैं ब्लड देने चली गई। बोलो मैं, बोलो मैं दूँगी, बोलो ग्रुप क्या है मेरा, पता नहीं जी क्या ग्रुप है मेरा, क्यों पता नहीं था उस टाइम। मेरा ग्रुप था ओ पॉजिटिव, भगवान की कृपा से उसी का वही था ग्रुप। मैच कर गया, हाँ मैच तो कर गया, पर देते तो वो दूसरा है, खैर साफ सूफ करके, पर वो थोड़ा सी हो गया भाई कर गया। मैं दे आई, देने के बाद ब्लड कैंप आगे चल के देख के आके मैंने वहाँ वार्ड के आगे चपड़ा छिकड़े रहता है, वो डंडा ले खड़े, भाई कुछ कोई आने दे। मैंने उसका डंडा उठाया और कंटीन है आगे बाहर थोड़ी दूर, वहाँ जाके दूध पी आई। 150 रुपये होते ही थे उस टाइम, इतने तो रात को मैं दूध पे। वो औरतें लगी जो पैसे ले, मैं करूँ नहीं, मैंने दान दिया, मैंने पैसे तो आपसे थोड़े लूँ, मैंने बेचा नहीं है, मैंने दान दिया, मेरी खुशी से दिया। मैं पी के आके सो गई। सोने के बाद सुबह हो गई, मेरा कुछ नहीं ठीक था। घर वालों को, डॉक्टरों को उन्होंने बता दिया, जैसे मेरे जेठ जी है वो सब कुछ थे, बाबूजी बोलते, वो बड़े गुस्से हुए, बेटा ने क्यों दिया, काम भी करती है तो सारा जागती रही है, चक्कर आ जाता, कुछ हो जाता। मैं बोल बाबूजी मैंने तो कुछ नहीं सोचा, मैंने तो दे दिया। उसके बाद में बेटे ऐसे है, मैं देती रही खून, पर घर वालों से चोरी से मैंने ये जैसे घर का काम सारा ये कर कुर के पूरी बाजू का पेर के चले जाते, क्यों वो टेप लगाते वो छुपो लेती थी। हाँ घर से, पहले घर से ले जाती दूध, कई बार उनको पता हो जाए भाई क्या लेके जा रही, तो बाहर से मेरा सामान ले लेती। मैं वहाँ का सामान मैंने नहीं लिया, मेडिकल में दिया, हर 3 महीने में बाद में या कहीं कैंप लगता या किसी को ज़रूरत होती, पर ज़रूरत होती जो अमीर आदमी होते हैं और तो उनको नहीं देती थी या सुपार्श आते भी आप ये दे रहे हैं तो हमारे को खोलना। बिल्कुल गरीब जरूरत पड़ने जरूर जैसे बिहारी हो गए और हो गए जो गरीब आते हैं उनके लिए। तो अब तक कितने लोगों तक कितनी बार आपने रक्तदान कर दिया? मैंने बेटे 75 बार किया है। एक बार सिलसिला जो शुरू हुआ तो फिर वो चलता ही रहा, बीच में कई ऑपरेशन हुए तो बीच में रुक के, जैसे मेरे 2 बार पेट का हुआ है, 2 बार आँख का हुआ है, एक बार कमर का हुआ, सारी ये कमर पीछे से ऑपरेशन हो रहा है। कमर के बाद में डॉक्टर का मैं कमर के पहले दे के आई थी ब्लड, तो डॉक्टर बोले कोई बार दे दो पड़े, मैंने पहले ही दे दिया। अच्छा ऐसे ही मैंने ऑपरेशन होने लगे पेट से पहले पता ही नहीं था भाई ऐसे रिसोड़ी है, मैंने पहले ही दे दिया। अब मैंने किडनी का ऑपरेशन हुआ मेरे किडनी, हाँ लॉकडाउन में। अब लॉकडाउन लोग है काफ़ी हुआ था ये कोरोना, उस टाइम मेरा हुआ, उससे मेरे बेटे की किडनी खराब हो गई थी, तो मैंने मेरे बेटे को किडनी दी। अपने बेटे को? हाँ हाँ, ये जो मेरा बेटा है इसको दी। इसके बावजूद भी मेरा 74 बार हो चुका था इसके पहले, फिर मैंने 1 बार और दिया। अब 75 पूरा हो गया। बिल्कुल ठीक। अब हमारा कोई लेता ही नहीं खून, क्यों पहले था 60 बार का, 60 बार का था ना, तो 62 तक मैं देती रही, थोड़ी झूठ बोलती रही। जैसे कैंप लगता ना तब ये कह देती कि मैं भी इतनी की हुई, तो मेरे जाने पहचान कहते बोले माँ आप 60 बार गई रहोगे, आगे नहीं बढ़ती क्या उम्र, हंसने ले जाते। क्यों मेरा HB 11.5 12 से ऊपर ही होता था हीमोग्लोबिन। हाँ वो इसलिए होता कि मैं हरी सब्जियाँ खाती हूँ, दाल वगैरह खाती हूँ, काली कढ़ाई में बनाती हूँ, बाहर की चीज़ें नहीं खाती। तो महिलाओं से तो ऐसी एक समस्या रहती है कि वो समस्या मेरा बहुत ज़्यादा थी, भगवान की कृपा है कैसे हुआ बहुत ज़्यादा, उससे तो मैं मर के बची थी। फिर भी वो ठीक होने के बाद में मैं ऐसे ही देती रही, फिर मेरा ऑपरेशन हो गया। आमतौर पे मैं देखा जाता है कि पहले पीरियड्स में उनके साथ पीरियड में बहुत ज़्यादा हुई थी बेटी मेरे, गांठ के गांठ हुई थी, फिर वो कब फिर मेरा पूरा हो जाता। यूट्रस निकाली पहला, फिर ओवरी निकालनी पड़ी क्यों छोटी उम्र में यूट्रस बहुत ज़्यादा तकलीफ, फिर ओवरी निकाली, ऐसे चलते नहीं वरना तो 100 बार से पहले कर देती। यूट्रस गया, किडनी भी आपने दान की, लेकिन ये ब्लड डोनेशन का सिलसिला चलता रहा। चलता रहा ये ऊपर वाला था मेरे साथ, ऊपर वाला था बेटे, मेरे अंदर सेवा भावना थी शुरू से, भाई कुछ मैं बढ़ के कुछ करके दिखाऊंगी। तो इंदिरा गांधी टाइम भी यूँ सला भाई इलेक्शन लड़ूंगी, ये करूँगी, बाद में वो तो बात थोड़ी बहुत राजनीति में थोड़ी बहुत चली, फिर मैंने छोड़ दी। फिर मेरी मदर एक्सपायर होने के बाद में यूँ की शादी जल्दी होगी, 17-18 साल की आपकी शादी? हाँ 17-18 साल की। तो बाद में इकट्ठी फैमिली में रहने लगे, फिर पढ़ाई भी छूट गई, पढ़ाई छूट गई तो उसके बाद माँ को पता है कि नौकरी कहाँ मिलेगी, वरना मेरे को ये है कि कुछ डॉक्टर बनूँ, डॉक्टर ने है तो चलो भाई नर्स भी बनूँ। नर्स हमारे उस टाइम लगाने नहीं चाहते थे, नर्स जेठ जी बोली छोटी नौकरी है, हमारे फैमिली परिवार अच्छा था इसलिए औरतों को कम कराते थे। मेरी भावना सिर्फ पैसे भी नहीं थी, मेरी भावना थी सेवा करने की, कि कुछ दे पाए अपने से। हाँ भाई मैं कुछ दूँ मेरे से, ऐसे मेरे हस्बैंड देते हैं ब्लड, इन्होंने कम को 27-28 बार दिया है, इनकी कोई गिनती नहीं, नहीं कोई सर्टिफिकेट, इन्होंने किसी को यार दोस्त को दे दिया, किसी और दे दिया। मेरे बेटे ने दे रखा है 32 बार, पतन के 37 बार मेरे बेटे ने दिया। पूरा खानदान जो है पूरा हाँ, घर जो है वो मेरे पुत्र वधु ने दिया है 7-8 बार, हालांकि इनका नेगेटिव है, इनने 2 बच्चा भी पैदा कराया यहाँ आने के बाद में, 18 साल हुए भी कल इनके साथ, तो भी इन्होंने यहाँ आने के बाद में दिया है। और हम जन्मदिन पर, शादी सालगिरह पर ब्लड कैंप लगाते हैं। मैंने शरीर दान कर रखे, मेरी आँख दान कर रखी है, और वो दान कर रखे। मेरी इच्छा है कि जो चीज़ मैं जिस टाइम जेल में होने लगूँ तो जो चीज़ मेरे जरूर, जैसे एक किडनी और है मेरे पास, तो किसी के काम आ जाए। मेरे शरीर का और कोई हिस्सा है जो भी डॉक्टरों को किसी मरीज़ के लिए, किसी इंसान के लिए, जिस गरीब हो, जिसको जिस आँख है किसी बच्चे के पास नहीं हो कहीं, तो उसको दे, मेरी यही इच्छा। तो अभी इस तरह की जैसे आपकी जो आप डॉक्टर नर्स बहुत सारी ख्वाहिशें आपकी उस दिशा में नहीं पूरी हो पाई, तो आपने सबको रक्तदान का करके पूरी किया। हाँ ये पूरा किया, ये अपने हाथ में था। हाँ ये मेरा हाथ में था तो मैं करती रही बेटे, हाथ में जो था वो काम करती रही। नहीं बहुत ही, क्योंकि अभी देखिए कितने सारे सरकार को अपने वो चलाने पड़ते हैं, ड्राइव चलानी पड़ती हैं, कितने लोग प्रेरित करना पड़ता है कि आप रक्तदान करिए। अभी कोविड में उसके बाद में अभी जो डेंगू इन सब में आता है तो बहुत कितने सारे लोग प्लेटलेट्स इन सब के लिए परेशान रहते हैं। हम करते रहते हैं। हमारे भतीजा है उसने दी थी, वे किडनी का ऑपरेशन वास्ते है तो वो तो ली नहीं, मेरी ली। तो भतीजा है एक देवर का लड़का है, हमारे को ब्लड की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने हम जो आए हुए थे हॉस्पिटल गुड़गांव उनको ज़रूरत पड़ी, उनको उन्होंने वैसे ही दे दिया। हमारी ये खानदानी परंपरा है ऐसे देने की, सब लोग देते हैं। देते वो अभी तैयार, वो को अभी मैं कहती बेटे तेरे को देना है तभी ठीक रहेगी, ये तैयार रहती है। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइए, जैसे थोड़ा मैं इधर कि जो लोग कई सारे लोग रक्तदान करने में बहुत घबराते बहुत हैं, मैंने देखना कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हमने ऐसा कर अगर हमने ऐसा दे दिया तो मुझे कमजोरी आ जाएगी, और मैं तो महिला हूँ, मैं तो बुजुर्ग हूँ, ऐसा लोग मन में भ्रांतियाँ भी हो सकती हैं। और कई लोगों को होते तो उनके लिए क्या मतलब 75 बार जो रक्तदान करने वाली लेडी की क्या टिप्स है उनके लिए? टिप्स घबराना ये हमारे पुत्रवधु बता सकती है, इन्होंने पहली बार दिया, इनसे पूछो। मैंने तो बॉल पंडम दे दिया। उनके लिए आप क्या कहेंगे जिनको जिनको घबराना ही क्या बेटा, सुई तो वैसे लगती रहती है, ये सुई लगाई उन्होंने 10-15 मिनट में वो निकाल लेते हैं। कुछ हम तो देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, हमें तो क्या तो कोई घबराने। और ये जो कमजोरी वाला लोगों का देखो बेटा, शुरू में तो पहले आती थी, अब जो बुढ़ापा में दे रही हूँ ना, आप मानो सच्ची कहानी, हौसला बढ़ता, खुद को हल्कापन महसूस होता है। मैं खुद स्कूल या कहीं देख के आती थी तो साइकिल पर आती थी, स्कूटर तो अभी लिया, इसके बाद में हमने कोई कम को 50-60 बार देने बाद में एक टुवा लेके, वरना साइकिल पर दूर दूर से आती थी मैं लेके। जैसे DAV स्कूल काफ़ी दूर था बाहर, वहाँ गई साइकिल पर, साथ में मेरा दूध हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, कोई सेब हो गया, ये लेके यही थैले में डाल के चला के शक्ल घर वापस आ गई, आके काम करने लगी बेटे। हाँ इतने है, मैं सुबह घूमने जाती या बैडमिंटन खेलती, वो एक आधे दिन रुक जाती, वो उनके कहने पर, और मेरा तो कुछ नहीं। आपका मन नहीं रहता है ना? हाँ फिर मैं थोड़ा बहुत तो। ये बहुत सारे लोगों की दुआएँ हैं कि आप इतने सारे ऑपरेशन, इतनी सारी मेडिकल समस्याओं के बावजूद अब अभी स्वस्थ हैं और लंबी उम्र जिए, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत आभार आपका, थैंक यू। मेरा नाम संगीता गोदारा है और मम्मी की प्रेरणा से मैं भी 8 बार रक्तदान कर चुकी हूँ। हालांकि शादी से पहले मैंने 1 बार किया था, पर उसके बाद में बहुत टाइम हो गया जब नहीं किया, तो मम्मी ने मोटिवेट किया उस चीज़ के लिए कि नहीं। और मेरा तो बी नेगेटिव है, तो ब्लड ग्रुप भी थोड़ा सा रेयर की कैटेगरी में आता है, तो कि नहीं अगर आप डोनेट करोगे तो इससे कोई कमज़ोरी नहीं आती है और नहीं आती है। इन्होंने शुरू में मोटिवेट करने के लिए, जैसे मेरा बर्थडे आया तो उस दिन खुद जाके ब्लड डोनेट करके आए कि इससे थोड़ा सा प्रेरणा मिलती है। तो जैसे किसी के घर में बर्थडे होता तो मम्मी ज़रूर जाते थे ब्लड डोनेट करने के लिए, तो वो हमें भी अच्छा लगता था कि चलो कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे हमने भी शुरू किया, जैसे अजय ने भी बहुत बार डोनेट किया है, पापा ने भी किया है, बल्कि नाम भी लिखवा रखा था कि इन इमरजेंसी केस अगर ब्लड नहीं अवेलेबल रहता है तो यू कैन मेक ए कॉल टू अस। तो उस तरह से आपकी फैमिली से आपने बाहर नंबर लगा के आपकी फैमिली कोई ना कोई देगा, वहाँ पर लिखवा रखे थे नाम। इसका ओ बी नेगेटिव है, पापा का ओ नेगेटिव है, तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप से थोड़ा रेयर मतलब कमी रहती है, तो वहाँ पे ये कह रखे भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, वो नेगेटिव या बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप जरूरत पड़ती है। तो अपनी फैमिली के बारे में बताइए कि ये कैसे मतलब मम्मी पापा आप सब लोग पूरा खानदान ही तो रखता है। बस वही कहते ना, जो महिला जो होती है, महिला घर को संभाल भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है, तो इन्होंने हमें बिगाड़ दिया है इसमें, ब्लड डोनेशन वाला इसमें कि जब भी मौका मिले अपना रक्तदान कर दो। क्योंकि शुरू में तो हमें पता नहीं था, लेकिन जिस तरह धीरे धीरे मम्मी को पता लगा मम्मी ब्लड डोनेट करती है, ये कभी सम्मानित होए, तो मैं जैसे 18 साल का होता हूँ, 18 साल का होते ही हमने जो है ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिया। हमने तो 38 बार के आसपास मैंने ब्लड डोनेट कर रखा है, तो लेकिन फिर अभी 2 साल पहले जिस तरह अपना किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, मम्मी ने मेरे को किडनी दी थी, तो उसके बाद से अब ब्लड डोनेशन बंद कर दिया मैंने, दे नहीं सकता, मतलब मेडिकली अनफिट हो गया इसमें, तो मैं ब्लड डोनेट कर नहीं सकता। फिर दवाइयाँ वगैरह चल रही है, स्टेरॉइड चल रहे थे, इसलिए आगे दे नहीं सकता। लेकिन हम जो है कैंप वगैरह लगाते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं लोगों को। और बाकी पहले से अब काफ़ी फ़र्क पड़ा है, मतलब लोगों में भी जो है ब्लड डोनेशन के प्रति जो है, खासकर हमारे हरियाणा के अंदर जो है, यहाँ पे रोहतक एरिया में और आसपास के एरिया में लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं। अब वो झिझक नहीं है लोग, आप झिझक नहीं रही। आप क्या है कि आप कहीं भी अपना बस, जो जैसे PGI की अपनी बस है, ब्लड डोनेशन की बस है, आप बस को आप खड़ा कर दीजिए, बस लोग अपने आप, जो युवा जो हैं, अपने आप ब्लड डोनेट करने के लिए आते हैं। तो मतलब आप पूरी फैमिली मिलकर मिला कम से कम 150 से ज़्यादा बार आप तो कर ही चुके हैं। इनफैक्ट क्या है, जो छोटे वाली बिटिया है वो अभी है नहीं, तो उसके मतलब 6 दिसंबर 2009 को हमने पहला अपना ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था। उसमें हमने सबने इकट्ठा ब्लड डोनेट किया था। और मतलब एक त्यौहार की तरह मतलब हम करते हैं ये चीज़, ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह जो भी हम लगाते हैं, एज ए फेस्टिवल लगाते हैं, सब मिलके हम डोनेट करते हैं उसके अंदर, क्योंकि ये जान बचाने का बहुत बड़ा वो है। और सबसे बड़े, क्योंकि ये एक सबसे ये एक रक्तदान जो ऐसा दान है जिसमें ना लेने वाले को पता, ना देने वाले को पता है किसने दिया किसने लिया, लेकिन जान बचती है, लेकिन जान बचती है इसके अंदर। तो इसमें एक वो प्राउड फील नहीं होता ना कि हाँ मैंने इसकी जान बचाई है, वो एक फैक्टर नहीं आता है इसके अंदर। अदरवाइज वो नहीं, वो हमें नहीं पता कि हमने किसकी हेल्प की। अदरवाइज कहीं ना कहीं मन के एक कोने में आता है कि हाँ मैंने इसकी मदद की, इसमें वो वाला फैक्टर नहीं आता है। तो ये मुझे लगता है कि सबसे अच्छा दान है, जिसमें हमें नहीं पता होता कि, इतना पता है कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, पर किसका भला किया वी डोंट नो। तो किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, हमारे मन में तो एहसान बिल्कुल नहीं आता है कि हाँ हमने उसके ऊपर कुछ उपकार किया है या समथिंग लाइक दैट। तो वो अच्छा लगता है उसके लिए। और सिर्फ इसी में नहीं, बल्कि शरीर दान करने में भी मम्मी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अजय के ताऊ जी की जब डेथ हुई तो उनकी भी बॉडी डोनेट की गई PGI के अंदर, ताई जी की भी बॉडी डोनेट की, फूफा जी है उनकी भी जब डेथ हुई तो वो भी हमने PGI में ही बॉडी डोनेट की है। मम्मी पापा ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं इस चीज़ के लिए। मतलब रक्तदान से आगे बढ़ के जो है शरीर दान देने की परंपरा भी हमारे परिवार के अंदर चल रही है। तीन जो है शरीर हम डोनेट कर चुके हैं PGI रोहतक के।